हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाले हैं, किस तरीके से आप सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के उनको ट्रीटमेंट देके टेनिस एल्बो के सिम्टम से छुटकारा पा सकते हो। टेनिस एल्बो को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। कई बार बहुत सारे फिजियोथेरापी के सेशन लेने के बावजूद भी आपका टेनिस एल्बो का दर्द जाता नहीं है, और इनके बाद स्टीरोइड के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या तो कई बार सर्जरी करने की भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप यह एक्यूप्रेशर थेरापी का सहारा लेते हो तो बहुत ही कम समय में टेनिस एल्बो से छुटकारा पा सकते हो। तो पहले जान लेते हैं कि टेनिस एल्बो होता क्या है। हमारा जो एल्बो होता है, एल्बो की जो बाहर की सरफेस होती है वहां पर इस तरीके से एक उभरी हुई हड्डी होती है, इनको लेटरल एपिकोंडाइल बोला जाता है। इनकी वजह से ही टेनिस एल्बो को दूसरे नाम से लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी बोला जाता है। यह एक तरीके से रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम है। यहाँ पर जो यह लेटरल एपिकोंडाइल है, जो उभरी हुई हड्डी आपको दिख रही है, वहाँ से हमारे हाथ के ऊपर के जो मसल्स होते हैं वह यह हड्डी से निकलते हैं, और यह मसल हमारे हाथ को यह मूवमेंट कराने में मदद रूप होते हैं। अगर आपकी रोज बरोज की एक्टिविटी यह वाली मूवमेंट करने वाली होती, यानी कि कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी पूरा दिन इस तरीके से कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करता है, जो कुकिंग करने वाली लेडीज़ होती है वह खाने पकाते समय यह वाली मूवमेंट करती है, कपड़े नीचोते समय यह वाली मूवमेंट होती है, प्लेयर होता है वह टेनिस प्लेयर इस तरीके से रैकेट को हिलाता है, जो क्रिकेटर होता है वह बैट को इस तरीके से हिलाता है, तो इनकी वजह से जो यहाँ से मसल निकलते हैं वह मसल पे वेर एंड टेयर इफेक्ट होती है। वहाँ के जो मसल होते हैं उनके ऊपर रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है, फिर उनके थोड़े से फाइबर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग आता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, मसल में स्पाजम आ जाता है, और कई बार आपको इतना सीवियर दर्द होता है कि आप ग्रिपिंग भी नहीं कर सकते हो। कोई छोटी सी चीज़ पकड़नी हो, पानी का गिलास पकड़ना है, उनको भी आप पकड़ नहीं सकते हो, बहुत ही सीवियर दर्द यहाँ पर होता है। तो इनको टेनिस एल्बो या तो लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। इनके साथ आप यहाँ पर आइसिंग करिए, अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, इनके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो यह सब कुछ आप साथ में करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको टेनिस एल्बो से छुटकारा अब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है LI-11, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 11वां नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट का लोकेशन पहले हम जान लेते हैं, बहुत ही आसान है इनको लोकेट करना। हाथ को एल्बो में से इस तरीके से बेंड कर देना है। जैसे ही आप हाथ को बेंड करते हो तो यहाँ पर एक फोल्ड बनता हुआ आपको दिखेगा। तो यह फोल्ड का जो नीचे का एंड आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको हाथ इस तरीके से रख देना है, फिर हाथ को सीधा कर देना है। तो यह पॉइंट के आसपास आप दबा के देखिए, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेंडरनेस मिल रही है, यानी कि पेनफुल पॉइंट आपको पकड़ लेना है, वह पेनफुल पॉइंट ही आपका LI-11 नाम का पॉइंट हो जाता है। तो यह पॉइंट को हमें लोकेट करना है। फिर से जान लेते हैं, हाथ को एल्बो में से इस तरीके से बैंड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फोल्ड बनता हुआ दिखेगा, यह फोल्ड का जो नीचे का एंड आपको दिख रहा है वह एंड पर हाथ रख देना है, फिंगर रख देनी है, फिर आसपास दबा के देखिए, सबसे ज़्यादा टेंडर पॉइंट पकड़ लीजिए, वह पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। तो यह पॉइंट को पकड़ने के बाद आपको एक्यूप्रेशर थेरापी शुरू कर देनी है। किस तरीके से करनी है, आपको दबाव कहाँ तक देना है, जहाँ पर आपको पेन होना शुरू हो जाए फिर वहाँ पर दबाव कॉन्स्टेंट रखना है। कॉन्स्टेंट 2 मिनट के लिए आपको दबाव रखना है, और एक्यूप्रेशर थेरापी के दरमियान आँखें बंद करनी है, ब्रीथ पे फोकस करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और हल्का सा आपको विजुलाइजेशन की टेक्निक भी फॉलो करनी है, यानी कि आप प्रेशर देते हो तब आपके जो भी टॉक्सिन्स केमिकल्स नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर जमा हुए वह सब वॉश आउट हो रही है, निकल रही है, और पॉजिटिव एनर्जी यानी कि ब्लड फ्लो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, और जो भी टिश्यू डैमेज हुए, फाइबर डैमेज हुए, फट गए, वह जल्दी से रिपेयर हो रहे हैं, हीलिंग हो रहा है। ऐसा छोटा सा विजुलाइजेशन अगर आप करते हो तो जो आपका पेन है वह जल्दी से गायब हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी।
तो इस तरीके से 2 मिनट आप यह पॉइंट को दबाते हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर यहां पर देते हो, तो आपका पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इनके बाद आपको यहां पर सर्कुलरी मोशन में दबाव देना है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यह पॉइंट को दबाना है, या तो फिर आप यहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखिए और हाथ में से यह मूवमेंट आप करिए, यह एक्सरसाइज करिए, तो भी यहां पर यह पॉइंट एक्टिव होगा। यानी कि पहले 2 मिनट आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर देना है, पेन आपका कम हो जाए, फिर यहां पर आप पॉइंट को सर्कुलरी मोशन में मूवमेंट दे सकते हो, या तो फिर प्रेशर कॉन्स्टेंट रख सकते हो और हाथ को भी आप इस तरीके से हिला सकते हो। इस तरीके से 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपको यहां पर पेन कम होता मालूम पड़ेगा। इस तरीके से छोटा सा पॉइंट दबा के आप टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।